Oh my. क्या हो रहा है बच्चों? क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? और आज का हमारे प्लान था ना सफारी, याद है आपको? मैं भी बाबा से पूछती हूँ, अभी कंफर्म नहीं है। नमाज पढ़ना पर अभी, अच्छा। और अभी वैसे भी डेढ़ घंटा है मगर अच्छा चलो ठीक है, मैं बाबा से पूछती हूँ। ये बताओ कौन जीत रहा है इस गेम में, कौन जीत रहा है? चिटिंग तो नहीं हुई गेम में कोई? अरे चलो बाबा के पास चलकर मैं पूछती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? और हसनैन आप क्या कर रहे हैं? वीडियो तो आप लोग बना रहे हो, अभी भी बना रहे हो। एडिटिंग तो मुझे ही करनी होती, सारा प्रोजेक्ट लेके सारी उसका ऑर्गेनाइज करना। ये कौन सी वीडियो है, कौन सी व्लॉग है? ये है असल में बच्चों ने बाबा के ऑफिस नाम रखा है इसका, प्रोजेक्ट का। और ये जो है मेरे ऑफिस का विजिट किया था फैमिली के साथ मैंने, तो उसको अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वो वाला व्लॉग है, अच्छा। इंशाल्लाह जल्द एक दिन में या कल परसों तक इसको रिलीज कर लेंगे इंशाल्लाह। और अब बच्चों को चार बज रहे हैं, चार नहीं साढ़े चार हो रहे हैं जी। हाँ, और फजर का टाइम होने वाला है और हो गया है ऑलमोस्ट, तो बच्चों को बोल दिया सो जाए अब, कब सोएंगे? अच्छा सुने, बच्चे सोएंगे नहीं, बच्चों का कुछ और प्लान है। बच्चे कह रहे हैं कि बाबा से कहिए कि हमें उधर जाना है, सफारी पार्क जाना है, और हम फिर नाश्ता करते हुए आएंगे। जी बच्चों का प्लान है कि नमाज वमाज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम सफारी पार्क चलेंगे साढ़े पाँच छह बजे तक। हाँ तो उनकी वेकेशन है ना, फिर भाई वो कर लेंगे, नींद उनकी हो जाएगी पूरी, वो आएंगे नाश्ता करके आएंगे फिर वो सो जाएंगे। नमाज पढ़े थोड़ी देर बाद, अजान होगी फिर इसको देखते हैं। नहीं नहीं देखते नहीं है बच्चों का, अगर लाइट रेन है होगी तो हम जाएंगे, क्योंकि बारिश भी फोरकास्ट है। ठीक है देख लेते हैं, वैसे मौसम भी बड़ा अच्छा है और चलते हैं, बस देख ले नहीं मतलब कंफर्म, मैं बच्चों को कह रही हूँ कंफर्म करते हैं, ठीक है ना? ठीक है इंशाल्लाह, ओके ओके। बच्चों बाबा कह रहे हैं कि ठीक है ओके डन है, चलते हैं। और कितना गेम रहता है? और फिर जाना नहीं है, जाना है तो फिर जल्दी से नमाज की तैयारी करो। मैं भी नमाज करूँ। चलें ठीक है, हम बस उठ रहे हैं, जल्दी से वाइंड अप करो, बाबा नाराज हो रहे हैं बेटा। नथिंग। और अब हम लोग जा रहे हैं सफारी पार्क, और सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या इस वक्त मौसम है, और इतना अच्छा लग रही है बिल्कुल साइडों पर ग्रीनरी ग्रीनरी के, बस क्या बताएं। सुबह सुबह का जो मौसम होता है बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि माहौल बड़ा खुशगवार होता है और सुकून होता है, अमन होता है, शोर शराबा नहीं होता, गाड़ियों का शोर नहीं होता, लोगों का शोर नहीं होता, और एक परिंदों की आवाजें होती हैं और खामोशी होती है, आसमान भी बड़ा अच्छा होता है, और दरख्त पौधे ये भी लहरा रहे तो होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है।
बिल्कुल। आप लोगों के क्या व्यूज है बच्चों? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, और सुबह की हवाएं कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसमें एक नुकसान होता है, नींद बहुत शुद्री होती है। चलो पार्क जाकर सारी नींद खाई हो जाएगी। अगर कोई इससे पहले एक इससे पहले दिन में सोए पूरा तो रात को बड़ी अच्छी आती है, दिन में कौन ही सोएगा। सनराइज हो रहा है और क्या दिलकश नज़ारा है। कुदरत ने जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है वो अलग ही रखा है, सबसे मुनफरद है माशाल्लाह। ये अब हम आ गए हैं सफारी पार्क। जी बिल्कुल, सफारी पार्क आ गए हैं, निशानी है हमेशा, और ये गेट खुला हुआ है सुबह सुबह भी। अभी अंदर दाखिल हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं सफारी पार्क में, और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बोर्ड्स लगे हुए हैं, और ये माहिरा हम सब अब जो है सफारी पार्क में जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो दाखिला टिकट है एंट्रेंस जो होती है वो सुबह के टाइम फ्री होती है। ये देखें ये एंट्रेंस बूथ है, मगर ये बंद पड़ा हुआ है, खाली है, ये देखें। लेकिन ये शाम के टाइम लिखा हुआ है सिर्फ फैमिली के लिए बाहर जाने का रास्ता है, ये एग्जिट खोला हुआ है मेरे ख्याल में। हम लोग जो है कोई मैं जो हूँ टिकट के लिए यहाँ पे गेट को बैठा हुआ, आप लेंगे टिकट? मैं जो हूँ तकरीबन कोई 18-20 साल बाद आई हूँ यहाँ पर। और सर आपको पता है लास्ट टाइम मैं अपने बचपन में आई थी जब बहुत छोटी थी, 2008 में मैं शायद लास्ट टाइम आया था, फिर इसके बाद तो नहीं आया। मैं तो पानी कब आई थी उससे भी बहुत, बच्चे तो फर्स्ट टाइम आए ना, बच्चे फर्स्ट टाइम आए मेरे ख्याल में, ख्याल में नहीं पता, बच्चे फर्स्ट टाइम ही आए बिल्कुल। और अब चलिए आगे चल के थोड़ा सा बनाते हैं बाद में। ये देखें ये बड़ा अच्छा व्यू है, ये अच्छा पार्क है, बहुत अच्छा बड़ा पार्क है, और यहाँ पे काफी दरख्त भी लगे हुए हैं, और ये पपैया के दरख्त हैं, ये देखें पपैया भी आया हुआ है, और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, अगर जैसे धूप है या बारिश हो जाए तो वो शेड के नीचे बैठ भी सकते हैं। और आगे मेरे ख्याल में बच्चों की स्लाइड वगैरह भी है, स्लाइड होगी, और वो वहाँ पे रॉकी एक थोड़ा सा मेरे ख्याल में छोटी सी रॉकी एरिया है, शायद पहाड़ है क्या है, वो भी देखते हैं चलते। ये देखें और डक्स आ गई हैं, और यार डक्स के लिए कुछ लाना था ना, पॉपकॉर्न वगैरह खाने के लिए। ये देखो ये बेचारी यहाँ पे हमसे जो है ना मांगने के लिए आ रही है, और उनके लिए कुछ लेके आना था, ब्रेड ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज ले लेते हैं, इवन बेचारी भूखी होती हैं रोटी भी खा लेती हैं। और इधर कितना अच्छा लग, कितनी बड़ी वाली वो डक होती है तो पता नहीं क्या कहते हैं, फ्लेमिंगो नहीं, ये हट भी है, हट के साथ हैं सारे। इस
स्मेल। देखिए बहुत सारी बैठी हुई है डक्स और यहाँ सनराइज हो रहा है, मतलब हो चुका है पानी का, इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है, पानी में इसका शेड आ रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या चीज रेड होता था उसने, देखो गिरना नहीं बेटा, गिरा था मगर ये जंप मार के तो जंप। अच्छा स्लाइड देख लेना कोई, जहाँ जहाँ ये टूट रही है या खराब हो रही है वहां से स्लाइड नहीं करना, कपड़े भी फटेंगे चोट भी लगेगी। अब ये फ्रंट पे है, रिपेयरिंग मतलब आ जा आराम से। और ये वेरी गुड, आओ मायरा, डर क्यों रही हो, वैसे अच्छी है, मारुफ ने भी तो की है कॉन्फिडेंट थी, टांगे मत चीरो, मायरा पावर नहीं है क्या, पावर खत्म हो गई, थोड़ी सी पावर लगाओ ताकि ये स्विंग करे, मारुफ भी थक गई है, अब देखिए तेजी से चला रही है, थोड़ी सी स्विंग करो, अब हम ये एक किस पे जा रहे हैं, रॉकी पे है, एक्टिविटी है कि हम ये रॉकी एरिया है इस पे चल रहे हैं। आ जाओ भाई, काटे काटे सीढ़ियां हैं वहाँ चलते हैं, देख के जाना है यहाँ पे काटे हैं, लेकिन ये ज्यादा मजे का लग रहा है। अच्छा इसमें कांच भी पड़े हैं, बॉटल्स जो ब्रेक हुई भी हैं, वो मेरे चुभा है शायद, क्योंकि मेरा शूज इस तरह का है ना कि वो नेट शूज है मेरा। रुक के पहले अपना चेक कर ले आप। हाँ देखता हूँ अभी, मगर ऊपर बाकी और वो ग्रिल्ड आप पहले अपना पाँव चेक करें भाई। नहीं नहीं कुछ नहीं, चले अब आप नीचे आओ, पिक्चर ले लेते हैं। ये देखे हम कहाँ खड़े हैं, ये नीचे बिल्कुल नीचे हमारी ये पार्क है, लॉन है और दरख्त है, ट्री नजर आ रहे हैं, और कितना अच्छा लुक बन रहा है ये। बाबा मेरे कैसे पिक्चर लीजिएगा, कैसे ये पेड़ नजर आए पीछे का, ये पिंक वाला, ठीक है। अब मैं इतना ज्यादा ऊपर नहीं जाए, मैं तो नीचे आ जाए। बाबा स्ट्रेंथ फॉर योर हेल्थ, बाबा नीचे भी कर गए। आज आज क्या कर रहे हैं अब, बाबा यहाँ से जम्मत मारी है क्या? सर अब नीचे आए चले,
चले, बहुत विक्ट्री हो गई आवाजें। पानी का ट्यूबवेल है। अच्छा ट्यूबवेल है, ओके। अब आप आ जाएं प्लीज। ओ माय गॉड, हसनैन केयरफुल यार, क्या कर रहे हैं? शुक्र मायरा मारू की एलिफेंट, ये रियल एलिफेंट है। ये अपनी जो है जो टीथ देखे कितने शार्प है इसके, ये मार देगा। बिल्कुल शरीफ एलिफेंट है, बेचारा कुछ कह नहीं रहा। बारिश का सिलसिला नहीं था काफी फैमिलीज आई हुई थी, कपल्स आए हुए थे जो जॉगिंग वॉक एक्सरसाइजेस वगैरह के लिए आए हुए थे। भाई अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज जी। तो अब हम जो है यहाँ पे नाश्ते के लिए आ गए, तकरीबन 7:15 का टाइम है और सारा नाश्ते कर रहे हैं। ये देखें बच्चों का भी आया और, हाँ अभी हलवा पूरी है और चने हैं, चाय है, पराठा है और ऑमलेट है। ये देखिए पूरियां और ये सब। और ब्लॉक 15 में ही हम यहाँ पे बैठे नाश्ता कर रहे हैं, जो मशहूर हलवा पूरी वाला है, तवक्कल हलवा पूरी। तवक्कल हलवा पूरी। अब ये हमारा जो है ये फुल कंप्लीट नाश्ता आ चुका है, इसमें पराठा भी है, चाय है और ऑमलेट है, चने हैं और हलवा कोई खा नहीं रहा था तो हमने वापस करवा दिया। और ये बहुत मजे का नाश्ता है, बहुत मजे का है। और क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाने का मजा ही ये होता है कि पूरी जो होती है बिल्कुल फ्रेश क्रिस्पी पूरी मिल रही होती है और साथ में हर चीज गर्म गर्म होती है, तो बड़ा मजा आता है यहाँ बैठ के खाने का। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।